का? किसी ने का नाम सर राजनाथपुरी है। कहाँ से आते हो? सर मैं अभी तो नोएडा से आ रहा हूँ, बट उनका ट्रीटमेंट जो है पहले गया चल रहा था। कहाँ रहने वाले? कहाँ के? बिहार के। बिहार में कहाँ पे? बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान में कहाँ? सिवान में सर बढ़रिया एक गाँव है वहाँ पे। बढ़रिया? ये कहाँ पड़ता है? ये सर सिवान डिस्ट्रिक्ट में है और बढ़रिया वहाँ पे एक अबतरवारा वगैरह जानते हो आस पास में। जब आए थे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी इनको? सर उस टाइम पे तो पहले तो वो कोलकाता में एडमिट थे आईसीयू में, मतलब 8-10 दिन रहे, फिर वहाँ से उनको मतलब ना का जवाब मिल गया कि आप जाओ डायलिसिस कराओ, अगर बच गए तो ठीक है, अदरवाइज आप कराते रहो। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था उस टाइम पे, तो भूख नहीं, मतलब अगर उठना भी होता तो उनको तो एक दो आदमी चाहिए था उठाने के लिए, और भूख का तो आबादी फिर मत करो, तो कुछ भी नहीं, खाना पीना सब मुश्किल हो गया था। फिर ट्रीटमेंट वगैरह इनका चल रहा था गया में डायलिसिस वगैरह, जब वहाँ से जवाब मिल गया कोलकाता से तो आगे गया, मैं गया में ट्रीटमेंट चल रहा था ट्वाइस अभी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, 99 में पॉइंट समथिंग हो रहा था, लेकिन फिर किसी ने आपका नंबर वगैरह रिकमेंड किया, फिर मैं यहाँ पे आया, आपके पास कॉन्टैक्ट में आया। तो उस टाइम जब फर्स्ट टाइम अभी आए थे आपके पास, तो उस टाइम पर 99 8.9 था। अच्छा। फिर 1 मंथ का हम लिए मेडिसिन, फिर उसके बाद आए तो 6.34 था, और फिर वापस 1 मंथ का ले गया आपके पास से, तो वापस अब है 1.34। अच्छा, ये सारे टेस्ट आपने कहाँ से कराए हैं? पहले तो सर उनका टेस्ट चल रहा था गया में, लेकिन अभी जो आपने अभी जो आप टेस्ट आया वो कह के वह घर आ गए। हाँ। जब सेकेंड मंथ आपके पास मेडिसिन ले गए तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, चलना फिरना खुद से ही हो रहा था, खाना पीना सब ओके हो गया था और सारा काम खुद से ही कर रहे थे। तो जब उन्होंने फिर ऐसा फील हुआ कि चलो अब तो ठीक है, तो घर पे आ गए, वो घर पे हैं, खाना पीने का पूरा फॉलो, बिल्कुल चलना फिरना अपना, फिजिकली बिल्कुल फिट, एट ऑल फिट। मतलब ऐसा आप देखोगे तो लगेगा नहीं कि वो पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भैया आप जाओ और डायलिसिस कराओ, बच गए तो ओके, अदरवाइज एवरीथिंग इज ऑन द गॉड। हाँ, वैसे उनके गॉड के लिए उनको छोड़ दिया था कि चलो ठीक है, जाओ कराओ, बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी आप देख के बता नहीं सकते आपके और सर ये इतना लेवल कम हुआ है। तो इसमें डायलिसिस पहले कितनी बारी करा रहे थे आप? सर पहले तो ट्वाइस अ वीक हो रहा था। ट्वाइस अ वीक और उसके बावजूद भी क्रिएटिनिन 8.9 था। ये आपने ट्वाइस अ वीक होने के बाद होता। अच्छा, और कितने टाइम तक कराया आपने डायलिसिस? ये डायलिसिस लगभग 45 डेज चला था। 1.5 महीने तक आपने रेगुलर, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस। जब ये पेशेंट आए थे, इनके कौन है पेशेंट आपके? फादर इन लॉ इनके हैं, और इनका क्रिएटिनिन लेवल जो था दैट वाज 8.9 एंड पेशेंट वाज अंडरगोइंग डायलिसिस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्वाइस अ वीक। सप्ताह में 2 बार ये डायलिसिस करा रहे थे, क्रिएटिनिन 9 के आसपास था, 2 बार डायलिसिस के बावजूद भी। मेडिसिन इन्होंने स्टार्ट करी, 9 से घट के क्रिएटिनिन इनका हो गया 6 के आसपास आया, और डायलिसिस जो है वो भी ट्वाइस अ वीक की बजाय इनका वंस अ वीक हो गया। यानी कि 2 बार जब करा रहे थे तब 9 था, और 1 बार करा रहे थे 6। ये लास्ट मंथ की रिपोर्ट, अभी इन्होंने ये रिपोर्ट कराई है, और इस रिपोर्ट के अंदर जो क्रिएटिनिन है वो 1.64 है, और इन्होंने कराई है सिवान से, कराई है अपनी लोकल जहाँ के रहने वाले हैं वहीं से इन्होंने ये रिपोर्ट कराई है। 1.64 क्रिएटिनिन लेवल है, 20 अप्रैल 2018 की रिपोर्ट। इसमें खोल के दिखाओ, क्लियर नहीं है फोटो कॉपी। 20 अप्रैल 2018 की रिपोर्ट है, और पेशेंट का नाम है राजनाथपुरी, 52 ईयर एज है, और इन्होंने अपने लोकल लैब से कराई है। ये रिपोर्ट है, फ़ोन में है इनके, फोटोकॉपी क्लियर नहीं है। इसके अंदर जो क्रिएटिनिन अब इनका हो गया 1.64 हो गया है, सो दैट मीन्स द पेशेंट इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल राइट नाउ। पेशेंट 2 महीना से 1.5 महीना से इनका डायलिसिस रेगुलर हो रहा था, और सप्ताह में 2 बार हो रहा था, और आज इनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स कह रही है, फिजिकल इंप्रूवमेंट पेशेंट को बता रही है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उनको चेंजेस आए। ही वॉज अनेबल टू मूव भी नहीं कर पा रहे थे पहले, और अभी अपना ये रेगुलर चल रहे हैं और बिल्कुल एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। एक और पेशेंट को डायलिसिस से बचाया गया, एक और पेशेंट को डायलिसिस से मुक्ति मिली, स्टॉप किडनी डायलिसिस। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है, और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं।
क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1, प्लॉट नंबर B234, अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर हैं 0987171205, 0114264274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।